YouTube चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम UGC NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करेंगे इंग्लिश का, ये आपका पेपर 2 है, जो आपका जनवरी 2017 में आपका हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है, ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के अगर आपको पेपर चाहिए, तो आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से लेके 22 तक के सभी पेपर मिलेंगे। बुक की कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो जो बुक आपकी है 100 रुपये में आपको 11 से लेके 2011 से अब तक के यानी 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। अब जो आपका पेपर होगा, अब आपका एग्ज़ाम कब होना है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। उससे पहले पहले आपको अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छी आपको करनी है। बहुत आपके सफिशियंट टाइम आपको मिल रहा है, तो इस जो टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए, कंज्यूम कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रिपरेशन, जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होने वाला है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्क निराड सी चौधरी कोल्ड द फाइनेस्ट नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। राइट आंसर क्या है आपका? किम। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट किम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम। तो पोयम का जो ऑथर है वो कौन है? द डिफेंस ऑफ लखनऊ डीलिंग विद द सिग ऑफ लखनऊ वन ऑफ द टेरिबल इंसिडेंट ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। तो ऑथर कौन थे? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ऑथर थे पोयम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, हु एमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट होल्ड दैट मेटाफोर एंड मेटानोमी आर द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड, रोमन जैकोबसन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग हु आर द डैशवुड सिस्टर इन जेन ऑस्टिन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। फर्स्ट एलिनर, सेकंड मैरिन, थर्ड मैरी, फोर्थ अमेंडा। आगे अब आपको दिया गया राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द कोड। तो कोड के अकॉर्डिंग आपको जो राइट यानी सही जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ लेस्बियन बिल्डिंग्स रोमन। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड, जेनिट विंटरसन ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस। तो आपको पहचानना है कि कौन सा कालानुक्रम अनुसार जो आपका क्रम है, सही क्रम आपका कौन सा है। तो सही क्रम कौन सा होगा? क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन थर्ड राइट है आपका, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पैराडाइज लॉस्ट मैक फ्लेक्नोई एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, पोइज द रेवन मोन्स द डेथ ऑफ पोइज। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, लॉस्ट लिनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, इन शेक्सपियर्स मैसबेथ हु वाज अंटीमली रिपर्ड फ्रॉम हिज मदर्स वोम। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, मैकडप। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन सेकंड मैकडप राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया अब आपका, अलेक्जेंडर पोप रिवाइज द रेप ऑफ द लोक 3 times इन द फाइनल रिविजन ऑफ द पोयम इन 1717 ही इंसर्टेड आई स्पीच बाय। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, क्लेरिशा। क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन सेकंड क्लेरिशा राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, Identify from the following list two play written by Joan Webster. First, A Woman Killed with Kindness. Second, The Revenger's Tragedy. Third, The White Devil. Fourth, The Duchess of Malfi. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग। तो कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है, White Devil और The Duchess of Malfi? क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन थर्ड राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डेविड मेलोफ टेल्स द स्टोरी ऑफ द रोमन पोइट ओविड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन टोमिस। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है, एन इमेजिनरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज सिडनी कमेंड एज गुड एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोइजी। चलिए अब आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें, फर्स्ट द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट, सेकंड द शेपर्ड कैलेंडर, थर्ड लैमेंट फॉर द मेकर, फोर्थ बैलेड ऑफ स्कॉटिश किंग। तो राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है कोड क्या, अकॉर्डिंग तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है, फर्स्ट और सेकंड कॉम्बिनेशन सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस्ड यूलिसीज एज अ मिसफायर। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट वर्जीनिया वूप, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन फर्स्ट वर्जीनिया वूप राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डेनियल डोफोई ऑफर्ड हिज ऑडिटर्स एज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड रॉबिनसन क्रूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया गया इन चार्लोट ब्रोंस जेन एरी व्हाट डज मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट एक्यूज जेनो व्हेन ही विजिटेड लोवुड स्कूल। तो राइट आंसर क्या आपका लाइंग, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विलियम फॉल्कनर्स एज आई ले डाइंग कंटेंस वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर इन लिटरेरी हिस्ट्री विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज द चैप्टर इन इट्स एंटायरली। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड माई मदर इज अ फिश, मेरी माई मदर इज अ फिश, जो मेरी माता है वो क्या है एक मछली है, तो माई मदर इज अ फिश ये इसका राइट आंसर है जो इसमें पूछा गया था। दिस सेंटेंस इन द चैप्टर इन इट्स एंटायरली, तो कौन सा चैप्टर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया अब आपका द प्रीलूड टू मिडिल मार्च मेक्स आ रेफरेंस टू द पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ अ रिमार्केबल वुमेन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एसटी थेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ओ फोर आर ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड आर लॉन्ग एज इन द डीप डेविल्ड अर्थ टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोविनेंस सॉन्ग एंड सनबर्नट मिर्थ द अबाउट डिस्क्रिप्शन इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकेंड शिन एस्थीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। द टर्म पोएटिक जस्टिस टू डेजिग्नेट द आइडिया दैट द गॉड आर रिवॉर्डेड एंड द एविल पनिश्ड वाज डिवाइज्ड बाय। राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 19 का ऑप्शन थर्ड राइट है थॉमस राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है माइल्स कोवरडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन द फॉलो हाइपरियन ए ड्रीम किड्स सीज अ लैडर लीडिंग अपवर्ड एंड इज एड्रेस्ड बाय अ प्रोफेसिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स नन कैन अप शर दिस हाइट बट दोज टू होम द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मिश्री एंड विल नॉट लेट देम रेस्ट हु इज द प्रोफिट्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड मोनेटा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्जीनिया वूप्स टू द लाइट हाउस एज अ ट्रिपिटल स्ट्रक्चर द थ्री पार्ट्स आर नेम्ड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है द स्काई, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच नोवल बाय पैट्रिक वाइट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लुडविग लिचर्ड द रशियन नेचुरलिस्ट हु एक्सप्लोर्ड ऑस्ट्रेलिया इन द मिड 1840s इन विच वाइट फिक्शनल हीरो से व्हेन आस्क्ड अबाउट नेविगेशन द मैप आई विल फर्स्ट मेक इट। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है वोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
Who among the following is not a character in William Golding's Lord of the Flies? Right answer आपका ऑप्शन थर्ड है पीटर. क्वेश्चन 24 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन 25 दिया गया आपका. डेंट गैब्रियल रोसेटी फाउंडेड द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड विच इंक्लूडेड फर्स्ट होलमन हंट सेकंड आर्थर हग क्लग थर्ड गेराल्ड मैनले होपकिंस फोर्थ जॉन मिलियर्स. तो राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है. फर्स्ट और फोर्थ आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन 26 दिया गया आपका. द सेवन डेडली सिंस आर साउट टू बी पोर्ट्रेड इन चूसर कंटरबरी टेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिंस इज नॉट कवर्ड बाय चूसर फर्स्ट जेलेसी सेकंड एनवी थर्ड लस्ट फोर्थ होमिसाइड. तो राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही होगा. तो जेलेसी और जो आपका जेलेसी और होमिसाइड आपका सही होगा. क्वेश्चन 26 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. रिचार्डसन पैमिला हैड इट्स ओरिजिन इन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एन एलिमेंटरी लेटर राइटिंग मैनुअल. क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. द मेडल अ पोयम रिटन बाय जॉन ड्राइडल इन 1681 इज सब टाइटल. तो जो पोयम थी उसका जो टाइटल था वो आपको बता. अब आपसे पूछा गया सब टाइटल. तो पोयम का जो सब टाइटल था वो क्या था ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में. तो सब टाइटल क्या था आपका. सब टाइटल था आपका ए सटायर अगेंस्ट सेडिशन. क्वेश्चन 28 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. फुल फैथोम फाई द फाइव थाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ. राइट आंसर क्या आपका एलिटरेशन. क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज अ ट्रोची. तो व्हाट इज अ ट्रोची. तो ट्रोची है क्या. ट्रोची आपका होता है. क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सेकंड राइट है. ए टू सिलेबल फुट ऑफ वर्ड्स इन विच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. किड्स ला बैली डेम सेंस मर्शी कंबाइंस टू पोएटिक फॉर्म्स फर्स्ट लाइरिक सेकंड ड्रामेटिक मोनोलॉग थर्ड बैलड फोर्थ सोनेट. तो इसमें पूछा गया अब आपका राइट कॉम्बिनेशन बताना आपको कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन सही है. राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है पहला और दूसरा आपका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32. दैस नैरेटर हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव अथॉरिटी. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड सेल्फ कॉन्शियस राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33. हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न राइटर्स इज एसोसिएटेड विद द क्विट ओनली कनेक्ट. राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ ईएम फॉरेस्टर. क्वेश्चन 33 का ऑप्शन फोर्थ ईएम फॉरेस्टर राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज डज नॉट फिगर इन ऑडियंस म्यूजिक डैश म्यूजिक आर्ट. तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड रेंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35. फेस्ट इज अ क्लोन इन. तो फेस्ट इज अ क्लोन इन. तो राइट आंसर क्या आपका ट्वेल्थ नाइट. ये किस में है ट्वेल्थ नाइट में आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36. विच प्ले बाय टॉम स्टॉपर्ड हैज अ प्ले विद इन द प्ले. राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है द रियल इंस्पेक्टर हाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रिवर्स. राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है रिटन इन आइम्ब्रिक पेंटामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38. जेम्स थॉमसन लॉन्ग पोएम द सीजन रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ऑल हिज लाइफ बिगेन इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज अ पोएम इंटाइटल्ड. राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है विंटर. क्वेश्चन 38 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. टू कैंटोज फ्रॉम द सेवेंथ बुक ऑफ द फेरी क्वीनी अपियर्ड पोस्टमेजली दे आर नोन एज. राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है म्यूटेबिलिटी कैंटोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. फोकल्ट बिलीव दैट द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम.
राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, स्टोरीज में। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मैक्स सन लेनी इन हैरोल्ड पिंटर्स द होम कमिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, क्वेश्चन 41 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच बायरन पोएम बिगिंस इन द फॉलोइंग मैनर। आई वांट अ हीरो एंड अनकॉमन वांट व्हेन एवरी ईयर एंड मंथ इज सेंड फोर्थ अ न्यू वन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड डोन इज वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इन द सेकंड एंडिंग ऑफ जॉन फॉल एज द फ्रेंच ल्यूटनेंट्स वोमैन चार्ल्स स्मिथ एंड लॉयर फाइंड दैट सारा हैज बीन लिविंग इन द हाउस ऑफ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड डी जी रोसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन 1692 विलियम कनग्रीव पब्लिश्ड इनकॉग्निटा अ वर्क ऑफ फिक्शन विच इज डबल्ड ए नोवल ऑन इट्स टाइटल पेज। व्हाट इज द सब टाइटल। तो सब टाइटल क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, लव एंड ड्यूटी रिकनसाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टीएस एलियट यूजेस द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट टू एलुसिडेट हिज थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। ही साइट द एग्जांपल ऑफ अ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम एंड इन द पोएटिक प्रोसेस दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड द माइंड ऑफ द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है, मैच द कैरेक्टर विद द मार्क। तो कैरेक्टर और मार्क को आपको मिलाना है। सबसे पहले आपका है पिप, पिप आपका हो जाएगा आप ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन। फिर आपका है क्यूजबन, ये आपका है चलिए इसमें कैरेक्टर और मार्क को आपको मैच करना है। तो पिप आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, क्यूजबन मिडिल मार्च आपका हो जाएगा, और बी की वैनिटी फेयर और हेथ क्लिप वर्ल्टिंग हाइट। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी बी ए डी सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सैमुअल जॉनसन लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट कंबाइन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, सोरकेटिक डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच टू वर्क्स ऑफ जे एम कोर्जे वोन बुकर प्राइज ऑन टू ओकेजन। फर्स्ट इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, सेकेंड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, थर्ड डिसग्रेस, फोर्थ वेटिंग फॉर द बारबेरियंस। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही होगा, सेकेंड और थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। Who among the following Greek philosopher has a bearing on the composition of Sally's Adonais? Right answer आपका option third है Plato। Question 49 का option third right होगा। Next और last question है question number 50। Question 50 आपको दिया गया, match the author with the work। तो author और work का आपको match करना है। सबसे पहले आपको है John Locke, ये आपका हो जाएगा two treatises on government। B विलियम डैम्पियर, विलियम डैम्पियर क्या आपका वो वेजिज। जेरेमी कोलियर आपका हो जाएगा ए शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टेलिटी एंड प्रोफेनिटी ऑफ द स्टेज। थॉमस राइमर आपका है अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजडी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा। नेक्स्ट अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।